प्लीज सर पकड़ा पढ़ाई लिखाई करो, अभी चल की उम्र है तुम्हारी। चल सभी आ गए, आप सभी का दोस्त शरद पठान एक नए ब्लॉग के साथ। जाम देख के मैं का भीग ही लेता पर बाइक से चला जाता। हाँ जी, क्या हाल चाल सभी के। ये देखो हमारे बच्चे आए मिलने के लिए, मौलाना ये पुराने दिल्ली से, और एक देखो ये भाई आया। ये आपको सलाम दुआ कर लो बच्चों को। और देखो दो बच्चे आए, ये कहाँ से हैं बता बेटा, बताओ। लक्ष्मीनगर से। ये देखो लक्ष्मीनगर से, देखो इतना हिम्मत कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये देखो अब इनके प्यार की तो बात है, बेचारे थे दूर दूर से आ रहे हैं। अब क्या बता रहे हो तुम, बताओ उसे मुझे। आपकी वीडियो के लिए तो है कि एक बार बस एक इस साइड के बाल उगड़ जाए बस। किसके, मेरे? अनस भाई के। अनस भाई के इस साइड। अनस के तो ये लोग वो देख नहीं, साइड के बाल चलो काट देंगे, हमें क्या परेशानी है। बच्चों की रिमांड के ऊपर चल रहे हैं जी हम तो। आपकी भी लोग देखना है। बिल्कुल बिल्कुल उड़ा देंगे, चिंता मत करो। सोते चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये भाई साहब का भी चैनल बता दो, कौन सा चैनल आपका। वेट टू लर्नर है भी। आपका भी, आप भी बताओ जी, बताओ। शहबाज के 9। हाँ इनका भी चैनल है, देखो बच्चों इनका भी करो, इनको भी पढ़ाओ आगे को, ठीक है। अब पढ़ाई लिखाई करो, अभी चैनल की उम्र है तुम्हारी ये। अबे बेटा कुछ पढ़ लिख लो, ये चैनल पैरल तो दूसरी बात की बात है। ये बड़े भाई तो सब करेंगे। बड़े भाई तो पोस्ट ग्रेजुएट हो गया। बड़ा भाई पोस्ट ग्रेजुएट है, समझ गए। बड़ा भाई को तुम तो पढ़ाई के साथ साथ ही तो कर रहे, पढ़ाई तो नहीं, पहले पढ़ाई करिए पूरी। पढ़ाई के साथ साथ ही चल रहे ना। नहीं नहीं पढ़ाई तो हो गई, करे हुए बहुत दिन। अरे पोस्ट ग्रेजुएट करे हुए भाई को हो गए, भाई के चक्कर में बावले मत बनो, पहले पढ़ाई करो ढंग से, डिप्लोमा करो, डिग्री करो। नहीं 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 पहले पढ़ाई करो, उसके बाद बहुत उम्र करने की। नहीं 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 पढ़ाई बगैर कुछ नहीं, कुछ नहीं निकलने का, बहुत लंबी जिंदगी है, पढ़ाई करो ढंग से, उसके बाद ठीक है। भाई का बाप बता रहा था, भाई से पूछोगे, भाई का भाई, भाई का क्या बताएगा। ये करो बच्चों, भाई का बाप, भाई का बाप जो कर रहा हुआ सही है, ठीक है। चलो मिलते हैं, अब कुछ अगली कहानी बनाएंगे, बच्चों से तो बात हो गई। चलो तो अब जो आपने स्टार्टिंग में देखा था, मतलब आज संडे है और आज इतने हमसे अपनी फैमिली वाले, मतलब अपने सब्सक्राइबर इतने लोग मिलने आ रहे हैं, क्या बताऊं। और आजकल ब्लॉग थोड़े ऊपर नीचे हो रहे हैं भाई, दिल से सॉरी, क्योंकि यार किसी और काम में। हाँ जी भैया, क्योंकि किसी और काम की वजह से मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूँ, इसलिए थोड़े ऊपर नीचे ब्लॉग हो रहे हैं, मतलब लेट आ रहे हैं, दिल से सॉरी। जल्दी से अपना क्या कहते हैं उसे, अपना शेड्यूल मैं दोबारा से फिक्स करता हूँ और ट्राई करता हूँ, जल्दी 2-3 दिन में ही ट्राई करता हूँ शेड्यूल फिक्स करने का, कि 12 बजे करेक्ट जो हम मेरा टाइम है जब भी ब्लॉग आ जाया करें। तो अभी भाई शकील को हम सिखा रहे हैं आप ब्लॉगिंग करना। भाई शकील पूछ रहे हैं कि क्या कमी क्या पेशी, आवाज़ का थोड़ा जो भाई शकील का सीन रहता है, मतलब सच बता रहा है यार। आपने कभी सोचा था कि मतलब हमारे अब्बा जैसे आदमी आगे आगे। हाँ जी आ जाओ हाँ जी, क्या हाल चाल सभी का, आ गया आप सभी का दोस्त शरद पठान एक नए ब्लॉग के साथ। टाइम हुआ है 9:45, 12:15, कुछ भी ज्यादा कोई मर्जी टाइम है। खाना खा लिया है, पानी पिया, जिम को जाऊंगा। अरे झूले को क्यों दिखा रहे हो, दिखाओ तो अपने आप को। ये देखो ऐसे तो ब्लॉगर है हमारे अब्बा। अबे सामने का लग रहा है फ्रंट करके, सामने कैसा आएगा, बंद करके। अरे बंद करके। हाँ तो ये वाला तीर से जो ये, हाँ इतनी बार बना लिया। हाँ अब हुआ ना ब्लॉगर, तो देखो ऐसे पकड़ा करो, देखो ऐसे 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 नॉर्मल पकड़ लो ना हाथ से, ऐसे जरूरी उंगलियां थोड़ी हैं। हाँ नॉर्मल पकड़ लो जरा। हाँ जी क्या हाल चाल सभी का आपका, जरूरत नहीं है ऐसे। हाँ जी वो तो मुझे आदत पड़ गई है, तुम ऐसे सही हो। हाँ कैसे करते तुम, हाँ आज की शुरुआत नए बोलो कैसे करते हो, करके दिखाना। यूँ है थोड़ा जोर से बोला करो, ठीक है ना जी। हाँ क्या हाँ ऐसे भाई, मतलब आपने सभी सोचा था कि मतलब हमारे अब्बा ऐसे चालू हो जाएंगे नए ब्लॉग के साथ, नहीं आज की मॉर्निंग वॉक नए ब्लॉग के साथ बात देते ले। हाँ सही है, तो यही है। और जब सामने देखा करो ना, सामने का दिखाया करो, जब भी थोड़ा जोर से बोला करो, आप ऐसे लगे कि मुझे माइक ला दे, मुझसे नहीं चलाया था इतना फालतू, तो माइक में भी तो जोर से बोलना पड़ेगा। वो लटका रहेगा ना वो, आस्ता आस्ता अजीब से लगोगे माइक लटका हुआ घूम रहा हो, क्या पता लगेगा। ला दे मुझसे नहीं चलाया था फालतू यार, अब मुझसे मुझे अच्छा चलाने की। 32,000 वाला है वो जो यहाँ लटका जाता है नॉर्मल सा रोड का जो माइक आता है, आपने देखा होगा। 32,000 का माइक ला दूं आपको है एकदम पहले व्लॉग में, क्या होगा ला देगा तो लाओ 32,000 रुपए। मैं तो साले तेरी तो बना सारी वीडियो ये 32,000 तो 32,000 दे देंगे, दिला दो दे पहले 32। अरे दे के क्या, पैसे दो कैमरा माइक तो आ ही जाएगा।
सेकंड हैंड थोड़ी आता है। चलो एक बार कैसे करोगे करके दिखाना आप, नॉर्मल ऐसे पकड़ा करो। हाँ नौ बात सही है। हाँ जी हाँ चलो प्रैक्टिस करते रहो आप, चले जाओ और हमको अभी काम पे जाना है तो। अरे प्रैक्टिस करो जाओ आप, व्लॉग बना के लाओ। अरे जाएंगे शर्मा जी के साथ जाओ। तो जी हम घर से निकले थे बाइक पे और अब हम आ गए हैं गाड़ी में, और वो क्यों, क्योंकि जाम मैं बाइक से ही रहा था। बारिश जब मैं आधे घर से निकला, कोई सुनसान ऐसा बारिश का इरादा नहीं था, पर आधे रास्ते में जैसे आए तो बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई। हमने कहा भैया हमें रिस्क लेना नहीं है बिल्कुल, तो हमने बोला भाई गाड़ी से चले जाते हैं। हमने गाड़ी मांग ली और हम जा रहे हैं अभी काम। फिर वही बात, काम थोड़ा अबे यार क्या जिंदगी हो चुकी है काम भाई। मैं काम फिर थोड़ा नहीं बता पाऊंगा, बाकी मैं एक आइडिया दे देता हूँ भाई। मैं पैसे लेने जा रहा हूँ, मतलब कैश लेने जा रहा हूँ किसी से, क्योंकि मैंने किसी को दिए थे तो मैंने कहा था भाई कैश दे दियो, तो मैं वही लेने जा रहा हूँ, नॉर्मल सा ये है। अरे यार भाई जाम देख के मैं कहा भीग ही लेता पर बाइक से चला जाता, गाड़ी आराम भी है पर जाम में यार दिमाग खराब हो जाता है। तो ये सीन है, देखो कब तक पहुँचते हैं। और दिन में आज भाई मतलब इतने हमारे मिलने वाले मतलब फैमिली के मेम्बर आए, हद हो गए भाई। मतलब ऐसा लगा आज तो कि मतलब किसी को कहीं से ना कोई सूचना मिल चुकी है कि आज लड़का ये घर पे ही है, आज इसको नाप दो। तो भाई अच्छा लगा आपसे सबसे मिलकर, और मम्मी का भी फ़ोन भी आया है कि भैया अभी भी कोई आया है, उनसे मैं नहीं मिल पाया तो सॉरी भाई। अरे यार इतना प्यार रुला ही दोगे आप किसी दिन मेरे को। बस वाले यार ये देखो सब अपनी हवाबाजी में घूम रहे हैं, बताओ बस वाले। अरे हाँ भाई तुम भी आगे आ जाओ। अगर रोड पे ऐसे शांत ना चले ना, डेली लड़ता फिरता फिरूं भाई मैं। और मुझे एक और बात याद आई और मुझे लगा बता देना चाहिए भाई, मैं बावला नहीं हूँ कि पैसे लेने जा रहा हूँ, मतलब मैंने किसी को उधार दिए थे और अकाउंट में मेरे दिक्कत चल रही है, मतलब वहां से क्रेडिट दिखा देता है पर मेरे अकाउंट में आते नहीं है। तो हमने कहा क्यों रिस्क लेते हैं, हम जाके ही ले आते हैं। तो बस इतनी सी बात मुझे लगा बता देनी चाहिए, वरना लोग सोचेंगे बड़ा बावला है पैसे लेने जा रहा है आजकल के ज़माने में भी। भाई मैं भी गूगल पे मुझे भी मज़ा नहीं आता, बस वही है मतलब आना जाना मेरे को भी अच्छा नहीं लग रहा, पर दिक्कत है मैं कहा खा मखा अटक जाएंगे, वो भी टेंशन में रहेगा, मैं तो टेंशन में रहूँगा ही। मैंने कहा जाओ पैसे लेके कैश लो, आराम से आ जाओ और जमा कर लो बैंक में। जी हम घर आ गए हैं, टाइम 11:30 मतलब थोड़ी देर पहले ही आ गए थे, नहा धो लिए, खाना वाना खा के आपसे बता रहा हूँ। और मैं शायद हर ब्लॉग में बता रहा हूँ, और एक छोटी सी दिक्कत पता है क्या हुई, मैंने अभी नोटिस करा, मुझे आज लगा था कि मैंने आज का ब्लॉग डाल दिया है पर हमारे साथ हो गया पोपट। हमने सोचा अभी डाल देते हैं पर अभी कल भी थोड़ा लेट डाला था तो व्यूज़ वैसे ही नहीं आ रहे हैं, तो और उसमें और नहीं आए, तो इस चक्कर में भाई एक दिन का मिस हो गया। देखो 170 दिन कुछ चल रहे थे, कंटिन्यू चल रहा था, तो एक दिन का मिस के लिए भाई को थोड़ा माफ़ कर देना, वो हो गई थी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, मुझे लगा मैंने डाल दिया है पर नहीं डाला था, तो इसलिए आज का मिस हो गया है। मिस नहीं कर रहे थे हम, देखो आपको भी पता है कोई भी सिचुएशन कुछ भी हो रहा था मिस नहीं कर रहे थे, ये हो गया सॉरी। और जो पापा के थोड़े व्लॉग्स ऐसे हैं जो यूट्यूब पे नहीं आते तो वो आ रहे हैं आजकल फेसबुक पे। अगर आपको व्लॉग देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर भी जाके चेक कर सकते हो। तो जी आज का व्लॉग यहीं पे एंड होता है, आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो। मम्मी बंद कर दो यार, आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो उस व्लॉग को लाइक शेयर कमेंट करें बिना मत जाना, मिलते हैं किसी ऐसे नेक्स्ट व्लॉग में, और इतने प्यार के लिए दिल से थैंक यू सो मच। ओके बाय, टेक केयर, लव यू, और आगे से मैं अपना पूरा 100% दूंगा कि मिस ना हो और टाइम पे ही आ। मम्मी बंद नहीं करेंगी, कुछ भी हो जाए मम्मी अपना सीरियल बंद नहीं करेंगी। अब तो देख लो, अब तो हो गया, चलो ओके बाय, टेक केयर, लव यू।